पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गिरिडीह के दोनों विधायकों पर हमला बोला है। सोमवार की देर शाम पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भाजपा नेता सुरेश साहू के शास्त्री नगर आवास महापर्व का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे, जहां न्यूज़विंग से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ उन्हें संदेह था कि हेमंत सरकार का बालू और पत्थर के अवैध कारोबार में मिलीभगत है, लेकिन अब यकीन हो गया है कि हेमंत सरकार बालू, कोयला और पत्थरों के अवैध कारोबार में खुलकर पैसे कमा रही है। राज्य के अधिकारी के साथ साथ दलाल और जेएमएम नेता लूटने में लगे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग को माइका कारोबार को लेकर खुला छोड़ दिया गया है, चाहे वो फिर वन विभाग से बाहर के इलाके से निकल रहा हो या वन विभाग के भीतर के इलाके से, क्योंकि अब तो वन विभाग माइका कारोबारी के घर घुसकर उन्हें टॉर्चर कर रही है। लिहाजा भाजपा ने भी प्रण लिया है कि जब तक हेमंत सरकार को सत्ता से बाहर नहीं निकाल देती, तब तक वह शांत बैठने वाली नहीं है। देखिए, अब सरकार को बने हुए 3 साल पूरे हो गए और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो लगभग 1 साल तो हम लोगों ने सरकार को काम करने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिए थे ताकि वो काम करे। जनता ने काम करने के उनको जाना दे दिया है, काम करे। हम लोग चाहते थे इसको रचनात्मक हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन जब से सरकार बनी है काम क्या करेंगे, कमाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए थे, लुटाने में लगे, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, यहाँ तक कि जहाँ कहीं भी खाली हुए खाली जमीन मिलता था उसको भी अफसर और दलाल और उसमें से जेएमएम के लीडर सब मिलजुल करके उसको मिल बांट करके लोग बेचते। ये पूरे राज्य में यही घटना, और उसके बाद आप सबने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करते रही, संघर्ष करते रही, आंदोलन भी करते रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई काम उन्हें कमाने में उनको रुका नहीं। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।